पेमेंट मेथड्स UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल पेमेंट्स, ये सारे पेमेंट मेथड्स आप अपने मोबाइल ऐप में कैसे इंटीग्रेट करें, ये आज हम कवर करेंगे रेजरपे और फ्लटर की मदद से। पिछले एपिसोड्स में हमने एक लर्निंग ऐप क्रिएट किए थे जिसमें हमने कोर्सेज डिस्प्ले किए थे और उसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऐड किया था। आज हम उसी ऐप को कंटिन्यू करेंगे और एक बाय कोर्स का वहाँ पर बटन ऐड करेंगे। उस बाय कोर्स के बटन पर क्लिक करने पर हम रेजरपे का पेमेंट सिस्टम ओपन करेंगे जिसमें सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल रहते हैं और यूज़र वहाँ पे अपने डिटेल्स ऐड करके पेमेंट करके अपना कोर्स परचेस कर सकता है। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी आज हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे उसी लर्निंग ऐप में जो हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो की है। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस मैं इस कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर ट्राई करता हूँ कि अपलोड कर पाऊँ और अपना नॉलेज आप तक शेयर कर पाऊँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि रेजरपे को कैसे इंटीग्रेट करें अपने फ्लटर ऐप में। ओके गाइस, तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेजरपे को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे हमारे मोबाइल ऐप में। तो ये वाला जो ऐप है ये हमने पिछले एपिसोड्स में क्रिएट किए थे जिसमें हमने लॉग आउट फंक्शनैलिटी और साइन इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारे फीचर्स इसमें ऐड किए थे, राइट। तो अब इसका मैं एक डेमो दे देता हूँ एग्जैक्टली हम रेजरपे को कैसे और कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। लॉग इन करने के बाद हम कोर्सेज डिस्प्ले करते थे ग्रिड व्यू में, फिर यहाँ पर इसके क्लिक करने पर हम उसके प्लेलिस्ट और एक वीडियो प्ले करते थे, राइट। अब यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देना है बाय कोर्स का, ठीक है। जैसे ही यूज़र बाय कोर्स पे क्लिक करेगा रेजरपे पेमेंट मेथड यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड वो दिखाता है, UPI, बैंक पेमेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे फीचर्स अवेलेबल है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कार्ड है, UPI, नेट बैंकिंग, तो ये सारी रेजरपे के तरफ से हमको सारी फीचर्स मिल जाते हैं। हमें बस उसको इंटीग्रेट करते आना चाहिए कि कैसे वो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये अब हम कवर करेंगे इस वाले एपिसोड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेजरपे का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रेजरपे, इस तरीके से रेजरपे, और लॉग इन करेंगे हम लोग गूगल से। मैं लॉग इन करूँगा, कन्फर्म करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट, अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स वो पूछ रहा है तो इंडिविजुअल मैं लिखूँगा, ठीक है। फुल नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा जैसे बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे आपके सब कैटेगरीज हम बोलेंगे ई लर्निंग, राइट। तो इस तरीके से ये सारे आपको क्रिएट करने हैं। तो मिनिमम कैरेक्टर्स जैसे मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, और ये सारे KYC के डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं। आप इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो पूरा जब आप डिटेल्स उसमें फिल कर देंगे तो आपको एक ऐसा सेटअप मिलेगा, ऐसा डैशबोर्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट मोड और लाइव मोड दो चीज़ें रहती है, तो हम टेस्ट मोड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सेटअप रहता है रेजरपे का। आई होप कि इतना स्टेप आपने फॉलो कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कीज़ लेनी है, ठीक है। तो API कीज़ यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको कर रहे हैं तो यहाँ से जनरेट न्यू की करेंगे हम लोग, ठीक है। डीएक्टिवेट ओल्ड की इमीजिएटली एंड कन्फर्म एंड डीएक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ से न्यू की मेरे लिए जनरेट हो गई। ये कीज़ मैं कॉपी कर लूँगा अपने कोड में, ठीक है। इन्हीं कोड इसी को हम यूज़ करेंगे। ये हो गई हमारी टेस्ट ID और ये हो गया की सीक्रेट। ये आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है तो आपको ये कॉपी करके सेफ जगह पे रख देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेस्ट की सीक्रेट, ठीक है। ये दो चीज़ें हमको लगती है। अब रेजरपे का काम हो गया एंड। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे रेजरपे फ्लटर इंटीग्रेशन, ठीक है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर रेजरपे का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बिल्ड इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये जो पैकेज है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वाला पैकेज हम ऐड कर देंगे डिपेंडेंसीज में। तो हम pubspec.yml फाइल में आ जाएंगे और रेजरपे फ्लटर 1.333 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप pubget करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप आपको करनी है, ये जो पैकेज है इसको हम इंपोर्ट करेंगे जहाँ पर भी आपको ये यूज़ करना है। तो हमें कहाँ यूज़ करना है, हम करेंगे इसको कोर्स डिटेल स्क्रीन में। यहाँ पे मैंने ये पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करनी है, रेजर पे का इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जहाँ पे भी आपकी क्लास है, जैसे मेरी ये क्लास क्रिएट की हुई है, मैंने यहाँ पे रेजर पे का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको करनी है, इवेंट लिसनर्स को आपको ऐड करना है, यानी बटन क्लिक करने पे वो सक्सेस या फिर एरर कोई आता है पेमेंट करते टाइम, तो वो सब चीज़ें कौन हैंडल करेगा, उसके इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको जब ये डार्ट फाइल लोड हो रही है तब आपको यहाँ पे इनिट स्टेट में ये इवेंट्स को हैंडल करना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मेथड्स है ये आपको ऐड करने होंगे, अदरवाइज ये आपको ये एरर शो करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हैंडलर्स वुड बी डिफाइंड इन द क्लास एस, ये सारे मेथड्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, ये तीन क्लासेस, ठीक है। अब हमने सेटअप कर दिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे रेजर पे का। सेकंड, हमने जो भी उसकी फाइल्स लगती है, हमें जो भी इवेंट्स है वो हमने ऐड कर दिए और उनकी मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करनी है रेजर पे डॉट क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए आपको जब भी ऐप डिस्पोज होगा, मतलब जब भी आपको मेमोरी के रिसोर्सेज को क्लीन करना है, तो आपको ये चीज़ एक लगती है, तो रेजर पे डॉट क्लियर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये जो YouTube कंट्रोलर है, ये वाला ये है जो YouTube का वीडियो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये इसीलिए अगर आपने वो पुराना एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हमने ये पूरे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो वो आप ज़रूर देखें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी, राइट। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया रेजर पे का डिस्पोज मेथड। अब हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, यहाँ पे बाय कोर्स का बटन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे, हमें कुछ चीज़ें कॉल करनी होगी। चाइल्ड में मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं सिंपल, और यहाँ पे बाय कोर्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, बेसिक एकदम रखेंगे बाय कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको अभी दो तीन चीज़ें लगेगी जिसमें आपको रेजर पे का हैंडलिंग करना है। जैसे ये बटन तो क्रिएट हो जाएगा, इसके क्लिक करने पे आप क्या हैंडल करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, इसको कंटेनर में हम रैप कर देंगे ताकि फुल स्क्रीन बटन दिखे। अभी आपको ये छोटा सा बटन दिखेगा रन करेंगे, तो इसको हम कंटेनर में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और कंटेनर में हम विड्थ दे देंगे उसको डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे हम पैडिंग भी एक दे देंगे, पैडिंग एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक। हमें सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड से स्पेसिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटल करेंगे और 20 दे दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गई पैडिंग सेट। अब यहाँ पे रेजर पे के जो भी ऑप्शंस है वो हमको यहाँ पे लिखने होंगे, तो ये चेकआउट ऑप्शंस हम लेंगे, ठीक है। ये हम कॉपी करेंगे और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आपको जितना भी अमाउंट देना है, जैसे आपकी फ़ीस अगर 1000 है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 1 रुपीज़ फ़ीस है तो 1 × 100, जितना भी अमाउंट है आपको मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे आप नेम दे देंगे आपकी कंपनी का जो भी है, ठीक है। ऑर्डर आईडी हमें नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे कोडिंग कोर्सेस, ठीक है। टाइम आउट हम दे देंगे और प्रीफिल अभी के लिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, बेसिक। और यहाँ पे अब आपको एक की आईडी लगेगी, तो की आईडी हमने यहाँ पे निकाली थी, की आईडी, ठीक है। जो रेजर पे से हमने की आईडी निकाले थे ना यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, तो ये वाली की आईडी हमको यहाँ पे लगती है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ऐप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब टर्मिनल में इसको मैं लिखूंगा फ्लटर रन, यहाँ पे एरर शो कर रहा था,
यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन दे दिया था इसलिए वो एरर शो कर रहा है। अब रन करके देखते हैं। फ्लटर में आए हम लोग, इसको बाय कोर्स करते हैं। तो अब बाय कोर्स करने पे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको ओपन ही नहीं किया है। हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था ना ऊपर, उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑप्शंस को पास करेंगे, ठीक है? जो भी ऑप्शंस है, तो ये ओपन करना हम भूल गए थे, तो रेजर पे डॉट ओपन आपको लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज वो क्या ओपन करेगा। लेट्स सी अब आउटपुट क्या आता है। इसको रन करते हैं फ्लटर और बाय कोर्स, ठीक है? अब ये रिजर्व पे का जो भी पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे आ जाएगा, इसमें सारे मेथड्स अवेलेबल है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं प्रॉपर। अभी मैंने फ़ीस यहाँ पे 1 रुपी रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट वो 1 ही रुपया मांग रहे हैं, राइट? यहाँ पे आप जो भी नंबर देंगे उसका वो प्रॉपर आपको सारे मेथड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यूपीआई नंबर आप दे देंगे तो हो जाएगा पेमेंट, राइट? और ये सारे पेमेंट्स आपको कहाँ दिखते हैं? यहाँ पे आपको वो पेमेंट्स पूरे दिखते हैं, राइट? आई होप कि आपको रेजर पे से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे रेजर पे का अकाउंट क्रिएट करके उससे कीज़ फाइंड करके और फ्लटर एप्लीकेशन में उस कोड को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है या एरर्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ और अपना नॉलेज आप तक शेयर कर पाऊँ। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।